आज की ये वीडियो मैथ से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, कितने समय में 800 रुपए का 10% वार्षिक दर से छमाही देय चक्रवृद्धि मिश्रधन 926.10 रुपए हो जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करने से पहले अगर चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज रोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। नोटिफिकेशन पाने के बेल जरूर ऑन करिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना समय एन वर्ष है। अगर हम इसको छमाही में लिखें तो 2n छमाही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रश्न में छमाही देय की बात करी जा रही है। तो आगे क्या दिया गया है, मूलधन 800 रुपए और दर का मान कितना दिया गया है, 10% वार्षिक है, तो छमाही करेंगे तो क्या होगा, 5% प्रति छमाही, ठीक है। तो हमें यहां पर चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया गया है, चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना दिया गया है, 926.10। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन फार्मूला क्या होता है, 926 चक्रवृद्धि मिश्रधन के स्थान पर चक्रवृद्धि मिश्रधन का मान बराबर मूलधन का मान 800, 1 प्लस आर का मान कितना है 5/100 और समय का मान कितना है 2n छमाही। क्या करेंगे, यहाँ पर 5 × 5, 5 × 2 = 10, 20 हो जाएगा। 800 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, है ना, क्या हो जाएगा 926.10/800 बराबर 20, इधर 1 ले लो अपान में, त्रिया गुणा करो तो 20 × 1 = 21/20 और यहाँ पर हम 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो पॉइंट ये जो है यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 92 61/8000 बराबर 21/20 / 2n। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21/20 / 3 मतलब 21 का क्या है, क्यूब का मान है 9261 और 20 का क्यूब का मान क्या है 8000 रुपए। तो बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 21/20 / 2n। अब आधार समान है तो क्या होगा, घाते क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएंगी ना, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 2n, तो n का मान क्या हो जाएगा 3/2 वर्ष, है ना। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 9 = 2 और 1 / 2 वर्ष। तो समय कितना आ जाएगा, 1/1/2 वर्ष, मतलब 1/1/2 वर्ष में 800 रुपए का 10% वार्षिक दर से छमाही देय चक्रवृद्धि मिश्रधन 926.10 रुपए हो जाएगा। तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, 1/1/2 वर्ष बी ऑप्शन सही होगा। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज रोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।